हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े थे लोग। क्या पढ़े थे लोग? इमेजिनरी नंबर के बारे में। अभी प्रॉब्लम पढ़ेंगे लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, वैसे नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है वहाँ जहाँ पर ए और बी का होगा रियल नंबर होगा। ए और बी आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा। जहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा? रूट माइनस वन, जिसे हम उसी का बोलते हैं लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सिर्फ फाइव प्लस आई टू, आई टू को हम इधर लिखते हैं, आई को इधर लिखते हैं, फाइव प्लस टू आई ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो इस कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहेगा, कोई भी नंबर इसके फॉर्म में रहेगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जहाँ पर ए और बी क्या होगा? रियल नंबर होगा। और जहां पर आई का वैल्यू कितना होगा? रूट माइनस वन। सारा कम्प्लेक्स नंबर के सेट को, कम्प्लेक्स नंबर के जितना भी सेट्स होगा उस सब को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही कोई पार्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर को जो करना हो तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड इजकल टू ए प्लस आई बी, या फिर जेड इजकल टू टू प्लस थ्री आई, इस तरह। जैसे एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर का देंगे, फाइव प्लस एट आई, माइनस थ्री प्लस रूट टू आई, टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई सेवन आई, ये सब क्या है आपका? कम्प्लेक्स नंबर है। देखते हम लोग पूरे कम्प्लेक्स नंबर जेड इजकल टू ए प्लस आई बी है, जिसमें हम लोग को ए को बोलते हैं लोग रियल पार्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? ए को बोलेंगे क्या? हम लोग रियल पार्ट। और बी को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी पार्ट। एंड बी को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जेड है, उसको लोग लिखते कैसे हैं? रियल ऑफ जेड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे लोग, फाइव प्लस टू आई है, फाइव प्लस टू आई है, तो आपको पूछेगा कोई इसमें रियल पार्ट कितना है? तो रियल पार्ट कितना है? फाइव है। तो रियल पार्ट को कितना लिखेंगे? लिखेंगे रियल ऑफ ये जेड इजकल टू रियल ऑफ जेड, कितना मेरे पास है? फाइव है। रियल पार्ट को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं रियल ऑफ जेड। इस तरह वही अगर बोलता है इमेजिनरी पार्ट, बोलता इमेजिनरी पार्ट बताइए अब जेड का, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट तो कितना है? टू, इस तरह लिखेंगे वहाँ पर। तो यह बोल रहे हैं पर कि ए क्या है आपका? रियल नंबर है, रियल पार्ट है, जिसको लिखते किस तरह है? रियल जेड इस तरह लिखते हैं। और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको लिखते हैं क्या? इमेजिनरी आई एम जेड इस तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल बात कर देखो पर, जेड इजकल टू टू प्लस आई फाइव है, तो इसमें रियल जेड कितना है? टू है। और रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है? फाइव है। अब पढ़ना लोगों प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? अ कम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल। कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड इजकल टू मान लीजिए यहाँ पे इस तरह ए प्लस आई बी है, तो इसको हम प्योरली रियल बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? जीरो होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो रहेगा, मतलब ये नहीं रहेगा, ये पार्ट का नहीं रहेगा, जीरो रह जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको लोग? जेड इजकल टू क्या बचेगा? ए। इसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए बोलेंगे क्या इसको? प्योरली रियल बोलेंगे। फिर बोल रहा है कि अ कम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट जीरो रहेगा। से जेड इजकल टू ए प्लस आई बी है, तो ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। रियल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जेड इजकल टू आई बी। ये क्या बोलेंगे इसको? प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है वो देखते हैं। कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जेड इजकल टू ए प्लस आई बी इज डिफाइंड एज जेड का बार। बोल रहे क्या? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका कंजुगेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड का बार से। और जेड का बार से और इसका कंजुगेट कितना होगा? जेड का कंजुगेट कितना होगा? ए माइनस आई बी। से मान लीजिए जेड इजकल टू फाइव प्लस टू आई है, इसका जेड का कंजुगेट, इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कितना होगा? इसका कंजुगेट ये जेड है, तो इसको बोलेंगे क्या लोग? कंजुगेट ऑफ जेड है। या फिर जेड का कंजुगेट कितना देगा? फाइव माइनस टू आई। बस यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा। जैसे आप देखिए जेड इजकल टू क्या था? ए प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट कितना हो गया? ए माइनस आई बी। ठीक, एग्जाम्पल देखते लोग कि जेड इजकल टू मान लीजिए है थ्री प्लस वन बाय टू आई, तो इसका कंजुगेट कितना देगा? थ्री माइनस वन बाय टू आई। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? बनना मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर।
तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय जेड मोड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉडुलस को डिनोट कैसे करेंगे, मोड जेड से, इस तरह से। इसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ जेड, मोड जेड इसको बोलते हैं। और मोड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं लोग, 1 + 3i है, जेड इक्वल टू मान लीजिए 1 + 3i है, इसका जेड मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉडुलस जेड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और इसका कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ना कितना हो जाएगा 10। एग्जाम्पल और देखते हैं लोग, 3 - 2i है, 3 - 2i है, इसका मॉडुलस निकालने बोल रहे हैं हमको, तो जेड का मॉडुलस निकालेंगे क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कितना जाएगा 13, ये आपका आंसर हो गया। अपन लोग को इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू a1 + ib1 और जेड टू इक्वल टू क्या है a2 + ib2। तो हम जेड, अगर जेड वन इक्वल टू जेड टू है, जेड वन और जेड टू क्या है बराबर है, तब क्या होगा, ए वन किसके बराबर होगा ए टू का, और बी वन किसके बराबर होगा बी टू का, ये बोलते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, कि जेड इक्वल टू मान लीजिए 3 + 5i है, और ये जेड वन इक्वल टू, और जेड टू इक्वल टू है x + yi है, तो एक्स ये दिया हमको कि जेड वन और जेड टू बराबर है, तो बताइए एक्स का, एक्स और वाई वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलेंगे एक्स का वैल्यू कितना होगा 3 और वाई वैल्यू कितना होगा 5। इसका देखते हैं लोग, अब पढ़ते हम लोग सम ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ना है। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो नंबर को हम, दो नंबर को ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे कैसे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे, ये सब देखना हमको। तो मान लीजिए जेड वन इक्वल टू इतना है, जेड टू इक्वल इतना है, तो इसको हमको जेड वन और जेड टू हमको ऐड करना है, जेड वन और जेड टू का हमको ऐड करना है, करेंगे ए वन प्लस आई बी वन प्लस करना किससे, ए टू प्लस आई बी टू से, तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से जुटेगा और कम रियल पार्ट रियल से जुटेगा, यानी ए वन इस ए टू से जुटेगा, ए वन प्लस ए टू जुटेगा और आई बी वन प्लस आई बी टू से जुटेगा, तो यहाँ से ए वन प्लस ए टू हो गया और यहाँ से आई या आई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बी वन प्लस बी टू, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो जेड जेड वन स्क्वल टू मान लीजिए 5 + 2i है और जेड टू स्क्वल टू मान लीजिए हमको 3 + 6i है, तो जेड वन प्लस जेड टू कितना होगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा 5 + 2i, जोड़ना इसको किसे 3 + 6i से, तो 5 को इससे जोड़ेंगे 5 + 3 कितना होगा 8 प्लस इसको इससे जोड़ेंगे कितना होगा 6 + 2 = 8i, ये आपका हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। इसी तरह डिफरेंस भी करेंगे, मान लीजिए जेड वन स्क्वल टू इतना है, जेड टू स्क्वल टू इतना है, दोनों का अब डिफरेंस करना है, मतलब जेड वन माइनस जेड टू निकालना है, तो क्या करेंगे ए वन प्लस आई बी वन इसको माइनस करना किससे हम लोग ए टू प्लस आई बी टू से, यहाँ से पहले लिखते हैं इसको ए वन प्लस आई बी वन माइनस ए टू, ये माइनस इंटर करेगा तो क्या जाएगा माइनस आई बी टू हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो क्या जाएगा ए वन माइनस ए टू, ये इससे होगा रियल पार्ट रियल से कटेगा और यहाँ पर प्लस यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बी वन माइनस बी टू, ये वैसे करेंगे लोग। जैसे मतलब एग्जाम्पल देखते हैं लोग, 6 + 2i जेड वन इक्वल टू है और जेड टू इक्वल टू है 5 + 2i मान लीजिए, तो जेड वन माइनस जेड टू निकालना है, तो कैसे करेंगे जेड वन कितना है 6 + 2i इसको माइनस करना किससे 5 + 2i से, तो क्या करेंगे लोग माइनस अंदर ले जाएंगे पहले 6 + 2i - 5 - 2i, यहाँ से 6 / 5 कितना बचा 1 बचा प्लस 2i - 2i कितना होगा 0i, यानी कितना हो गया 1 सिर्फ, यह आपका हो गया प्योरली रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट का हो गया 0 हो गया,
इसलिए इसको बोलेंगे क्या, प्योरली रियल। एग्जाम्पल देखते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू इतना है, जेड टू इक्वल टू इतना है, तो इसका जेड वन प्लस जेड टू निकालते हैं तो क्या जाएगा, इसको इससे एड करेंगे यानी रियल पार्ट रियल सीटेगा, यानी थ्री को प्लस करेंगे किससे, माइनस फाइव से, और हमको प्लस करना है, और फाइव आई को प्लस किससे करना है, टू आई से, रियल पार्ट रियल सीटेगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी सीटेगा, यानी फाइव सर यहाँ पर फाइव से सर हाँ फाइव आई ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस टू, और प्लस इसको करेंगे कितना होगा, सेवन आई, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह माइनस वाला भी कम करेंगे। अपन हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको फिर से क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी देखे थे दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड किए थे तो फिर से हमको क्या मिला था, कम्प्लेक्स नंबर ही। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जेड वन इतना था, जेड टू इतना था, तो इसको ऐड करने पर कितना आया, एट प्लस एट आई, तो ये क्या मिला, कम्प्लेक्स नंबर ही मिला कि नहीं। तो ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, वो कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टीज। जैसे जेड वन इजकल टू मान लीजिए ए वन प्लस आई बी वन है, और जेड टू इजकल टू मान लीजिए ए टू प्लस आई बी टू है, इसको जोड़ेंगे तो जेड वन प्लस जेड टू जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए वन प्लस ए टू प्लस आई कॉमन निकल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो बी वन प्लस बी टू, तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ क्या बोलता है कि दो नंबर को आप, जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर है जेड वन प्लस जेड टू, दो कम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू, तो इसको जेड वन प्लस जेड टू इस ऐड करें या फिर जेड टू प्लस जेड वन करें, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ये बोलता है क्या, कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी लॉ। अपन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि कोई थ्री नंबर को, कोई थ्री कम्प्लेक्स नंबर है, कोई तीन कम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू जेड थ्री, तीन कम्प्लेक्स नंबर है, तीन कम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह ऐड करें जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, पहले फर्स्ट को, फर्स्ट टू को पहले ऐड कीजिए उसके बाद थर्ड को ऐड कीजिए, या फिर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री लास्ट टू को ऐड कीजिए उसके बाद फर्स्ट को ऐड कीजिए, तो इस दोनों का जो आंसर आने वाला क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, दोनों का होगा कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा आपका। आप इसको ऐड कीजिए पहले उसके बाद इसको ऐड कीजिए, या फिर इसको दोनों को ऐड कीजिए पहले उसके बाद इसको ऐड कीजिए, दोनों का आंसर क्या वाला है, सेम आने वाला है। अपन हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सिर्फ वो एक कम्प्लेक्स नंबर जेड, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जेड में जेड प्लस जीरो करेंगे या फिर जीरो प्लस जेड करेंगे हमको क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, बोलेंगे क्या, जीरो इज द, हेयर जीरो इज द एडिटिव, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। इसका पढ़ना हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पढ़ना है। तो फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर जेड वी हैव जेड प्लस माइनस जेड इजकल टू माइनस जेड प्लस जेड, या फिर जेड प्लस माइनस जेड करें या फिर माइनस जेड प्लस जेड करें, इसका आंसर क्या वाला है, जीरो ही आने वाला है किसी भी अंक तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, एडिटिव इनवर्स। ये पता आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अभी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो नहीं होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेम टू सेम सब प्रॉपर्टीज यही होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ेंगे कि दो नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। इससे मान लीजिए आपको कि जेड वन इजकल टू ए वन प्लस आई बी वन दिया हुआ, और जेड टू इजकल टू ए टू प्लस आई बी टू दिया हुआ, तो हमको बोल रहा है कि जेड वन इंटू जेड टू फाइंड कीजिए, जेड वन इंटू जेड टू फाइंड कीजिए कितना होगा, तो क्या करेंगे लोग, जेड वन कितना है ए वन प्लस आई बी वन, और जेड टू कितना है ए टू प्लस आई बी टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पूरा को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए टू इस पहले
a1 प्लस आई बी वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, फिर a1 प्लस आई बी वन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे लोग आई बी टू से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा a1 a2 क्या मिलेगा a1 a2 प्लस इसमें क्या हो जाएगा आई बी वन ए टू। फिर इसी तरह इसको इसमें मल्टीप्लाई कितना मिलेगा a1 यहाँ पर आई भी है आई ये वाला और b2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कितना मिलेगा आई आई कितना मिलेगा आई स्क्वायर और b1 और b2 कितना है यहाँ पर b1 b2। अब यहाँ से a1 a2 प्लस यहाँ से देखिए आई आई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा b1 a2 प्लस a1 b2। आई स्क्वायर का कितना होता है -1, आई स्क्वायर का कितना होता है -1, पढ़े थे लोग पिछले वीडियो में आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पर कितना -1 रखेंगे कितना होगा प्लस माइनस -1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा b1 b2 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई a1 b2 प्लस a2 b1 इस तरह सजा कर लेती है हम लोग। ये पर क्या होता है दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे ऐसे करते हैं, क्या किया हम लोग यहाँ पर a1 a2 मल्टीप्लाई किया पहले a1 a2 माइनस फिर यहाँ पर b1 b2 यहाँ पर किए फिर प्लस i कॉमन लेंगे और a1 को a2 से करेंगे पर फिर यहाँ पर क्या लिखे b1 को a2 से करेंगे क्या कि हम लोग a1 को a2 से करेंगे फिर b1 को a2 से करेंगे। ये आपका इस एग्जांपल देखते हैं एक, क्या क्वेश्चन है z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i और z2 इक्वल टू क्या है 5 प्लस 4i इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं लोग z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 3 × 5 करेंगे फिर माइनस b1 b2 मतलब ये और ये 2 × 4 फिर प्लस आई a1 b2 मतलब a1 b2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे a1 b2 या फिर आप इसको इस फॉर्मूला से बनाए या फिर जिस तरह भी बनाए हम लोग मल्टीप्लाई करके वैसे बनाए तो a1 a2 मतलब 3 × 5 फिर b1 b2 मतलब 2b1 ये है b2 ये है तो 2 × 4 फिर प्लस i का i लिख दिया यहाँ पर और a1 b2 a1 आपका ये है a1 ये आपका क्या है b1 ये आपका a2 ये क्या है ये सॉरी a1 b1 हाँ a2 ये क्या है आपका b2 यहाँ पर a1 b2 यानी 3 × 4 हो जाएगा प्लस a2 उसके बाद b1 तो यहाँ पर इसको इससे यानी 2 × 5 तो यहाँ से 15 − 8 प्लस आई 4 × 3 = 12 5 × 2 = 10 यहाँ से लगा पर कितना 15 में से 8 कितना हो जाएगा 7 प्लस 12 10 कितना हो गया 22 यहाँ पर 22 और आई का आई ये आपका हो गया। आप इसको कैसे कर सकते थे हम लोग कि z1 कितना था 3 + 2i और z2 कितना था 5 + 4i इसको मल्टीप्लाई करते करते इस पूरे 3 + 2i को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं 5 से फिर 3 + 2i को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 4i से तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10i प्लस 4 × 3 = 12i और 4 × 2 = 8i² तो 15 प्लस 10 और 20 कितना हो गया 22i और यहाँ पर i स्क्वायर वैल्यू −1 × 8 कितना हो गया −8 तो 15 और 8 कितना हो गया 15 में से 8 कितना हो गया कितना हो जाएगा 7 + 22i ये यार जैसे मारे नहीं ऐसे कीजिए आप ऐसे कीजिए। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग मार्क रखिए इसको z1 का प्रॉब्लम है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। z1 इक्वल टू दिया हुआ है -2 +
3i, और z2 इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस 5i, इसका आंसर कितना होगा, क्या दिया हुआ है, z1 इक्वल टू -2 + 3i, z2 इक्वल टू 7 माइनस 5i, ये क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अपन हम लोग थोड़ा सा एक्टिव, ये जितना भी पढ़े थे हम लोग यहाँ पर कमेंट, यहाँ हम लोग पढ़े थे हम लोग एडिशन में, जितना भी पढ़े थे हम लोग यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, रेजिस्टेंस आइडेंटिटी, ये सब आपका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ये तक था एडिशन के लिए था, अब ये मल्टीप्लिकेशन भी आता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का होता है कि z1 और z2 को हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर ही आया कि नहीं, तो ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोलते हैं कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर z2 को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर सेम आने वाला है। एसोसिएटिव में क्या बोलते हैं कि z1 को मल्टीप्लाई कीजिए z2 से, मल्टीप्लाई कीजिए z3 से, या फिर z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3, पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पहले, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर एक और, कि रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें पढ़ना हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जानना हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। जैसे हम लोग को जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस आई बी है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, जेड इनवर्स, जो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसका रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे इसको। तो जेड इनवर्स कर सकते हैं 1/z लिख सकते हैं, और 1/z कर सकते हैं लोग, 1/z का कितना मेरे पास, ए प्लस आई बी, इसको रेशलाइज करेंगे तो a - ib होगा, और a - ib, तो यहाँ से इसको a - ib ही रह जाएगा, इतना मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऐसा करेंगे क्या हो जाएगा, a² - ib का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो a - ib, और बाय में ये क्या जाएगा, a² - i² का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो -1 का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर b², जिसे इसको सॉल्व करेंगे तो i² b² होगा, -a², तो a² इसका वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 + हो जाएगा b², a² का हो जाएगा b² हो जाएगा, क्या बच गया, a - ib और a² + b², तो यहाँ सब का हो गया क्या, कि z इज इक्वल टू a + ib है, क्या है, z इज इक्वल टू z + ib है, तो ये क्या मिल गया हमको, इसको बोल सकते हैं क्या, z इज इक्वल टू z + ib है, तो इसका z बार कितना होगा, z बार मतलब इसका कंजुगेट कितना होगा, a - ib, अभी तुरंत देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, z का कंजुगेट बन जाएगा, कोई दिक्कत, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि z इज इक्वल टू a - ib है, a + ib है, तो इसका मॉडुलस कितना होता है, 2 a² + b², तो ये रूट इधर स्क्वायर, रूट इधर है, इधर क्या जाएगा, स्क्वायर, यानी मोड जेड का मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² यानी a² b² करते हैं मॉडुलस ऑफ z², तो a² + b² क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z², यानी अब कोई पूछेगा आपको कि z इज इक्वल टू आपका है a + ib, तो इसका इस जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो इस जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका कितना होगा, मॉडुलस कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये बोलेंगे लोग। ये चीज और पढ़ना मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, बोलता है कि z1 मान लीजिए z1 z2 z3 आपका कोई 3 कम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 z2 + z3 है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, z1 × z3 + ये आपका z2 है, z1 × z2 + z1 ×
जेड थ्री, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसी बोलते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव। अपन लोग को डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं कि जेड वन और जेड टू क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर जेड टू इजकल टू जीरो नहीं है, तब जेड वन बाय जेड टू कितना होगा, जेड वन बाय जेड टू कितना होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या इस तरह से, डिवाइड होता होता नहीं है, इसको इसी जगह से लिखते हैं जेड वन इंटू वन बाय जेड टू, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह जेड वन बाय जेड टू, और इसको जेड वन, जेड वन इंटू इसको क्या लिखते हैं लोग जेड टू का, इस तरह लिखते हैं जेड टू का पावर माइनस वन। अब यहाँ पर हम लोग जेड टू का पावर माइनस वन, इसका मतलब क्या जानते हैं लोग, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग क्या कि जेड, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड वन इंटू, इसको क्या लिखे हम लोग जेड टू का कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर, तो इसको अगर पूरा कर लेंगे जेड वन जेड टू का कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर बना रखिएगा, ट्राई कीजिएगा, देखिए कल हम या फिर हम लोग नेक्स्ट कल में देखेंगे।